तारीख में सिंध वतन मथा हजारें बहरा हमला यलगारूँ थी जिनमें तारीख के समूरन हमलावर सिंध की जोग्राफी वसील आज़ादी के ताराज पे किया है। सन 632 में आज़ाद सिंध मुल्क ते राय घराने जो दौरे हुकूमत पूरो थियो। राय घराने के आखिरी बादशाह राय साहसी बे की वफात का पोए उन जे वफादार हुकुमरान अमलदार चच पुट सेलास के हथन में सिंध जो वागू अची वयु। चच पैं डाहप हिकमत फौज की महारत से सिंध मुल्क जो सरहदू संभाल। उन वक्त सिंध मुल्क जो सरहदू एक तरफ कश्मीर तो बे तरफ ईरान खुरासान ओभर में राजस्थान ताई वधाए एक वड़ी सिंधु सल्तनत बनाए छड़ी हुई जैके तारीखदान अजीम सिंधु सल्तनत या चच एम्पायर पसरींदा हुआ। आज़ाद सिंध के शहनशाह चच की वफात का पोए कुछ वक्त लाए सिंधु सल्तनत ते चच के भाव चंद्र सिन्हा हुकूमत कई पर उन्हीं का सुतत पोए सजी अजीम सिंधु सल्तनत ते चचे आजम के अजीम पुट महाराजा दाहिर की हुकूमत कायम थी। राजा दाहिर आज़ाद सिंध की तारीख जो वो बहादुर बादशाह बनो जैसे दौर में सिंध की रया में बुद्ध अजम जो उरूज हुयो। बुद्ध अजम से गड सिंध में सनातन धर्म हिंदू धर्म अवायली इस्लाम जो सूफी सिलसिले जरिए सिंध में आयो हो। ईसाइत ए देबल में यहूदी मजहब जा पैरोकार पान में भाईपी भाईचारे रवादारी से गडोगड रहंदा आया पे। राजा दाहिर के दौर में सिंध जो व्यापार कारोबार ज़रात सनत डेहा मशहूर हुई। सिंध जा व्यापारी सनतकार उन वक्त जी आज़ाद सिंध के मशहूर सामुंडी बंदरगाह दीबल जरिए पैंजा सामुंडी जहाज बेड़ा खलीज के मुल्कन का वठी सजी दुनिया में सामुंडी व्यापारी बंदरगाहन मरकजन ताईं हलाइंदा हुआ। राजा दाहिर के दौर में आज़ाद सिंध की खुशहाली रवादारी तरक्की आसपास के फौरन लुटेरन हमलावरन का बर्दाश्त न थींदी हुई। उहो ई सबब आहे जो अरबन की खिलाफत वारे दौर में शुरुआत का वठी सिंध मथा हमलन जो सिलसिलो शुरू कयो वयो। 712 में आखिरी 14 हमलो मोहम्मद बिन कासिम जे वडे हमले का पहरी सिंध मुल्क ते अरब हमले आवर पहरी ब 13 हमला करे चुका हुआ जैके सिंध वतन जे सरफरोश सिपाहन नाकाम बनाए छड़ियो। 712 में आज़ाद सिंध मुल्क जी फुरलट कब्जो करण लाए उन वक्त बगदाद जे अमवी घराने जे हुकुमरान खलीफे अब्दुल मुल्क जे दौर में सिंध ते वडे हमले लाए फौज मोकली वई जेका हजाज बिन यूसुफ जे हुकुम ते मोहम्मद बिन कासिम जी अगवाणी में सिंध ते का हुई। ये फौज बिन रस्तन का आज़ाद सिंध ते हमलावर थी। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम जी अगवाणी में घोड़े सवार फौज जो वडो लश्कर मकरान जे जमीन रस्ते का काह कई तब ए तरफ वड़े सामुंडी रस्ते से मंजनी को खणाए अची आज़ाद सिंध के तारीखी बंदरगाह दीबल के किले जो घेराव कयो वयो। मोहम्मद बिन कासिम की अगवाणी में दीबल के किले के लगभग एक महीने ताई घेरो जारी रहो। इब्ने कासिम की फौज से सिंधी सरफरोश मुहादो अटकायो बीठा रहा। कुछ मकामी बोधी नजूमियन मुलन की गद्दारी से दीबल बंदरगाह के किले मथा फड़कंदड़ आज़ाद सिंध के गाढ़े झंडे के मंजनीक जे पत्थर सा निशानो बनाए हेठ केरायो वयो। जैखा पोए दीबल किले जा दरवाजा टोड़े हजारन जी तादाद में मजामत कंदड़ सिंध जे सरफरोश सिपाहन जो कत्लेआम कयो वयो। मोहम्मद बिन कासिम दीबल जे किले मां किरोने रुपयन जो सोन चांदी हीरा जवाहरात फुरिया। समय सिंधी न्याणन के जंगी कैदी तौर गिरफ्तार करे पैंजे लश्कर जरिए हिता का अगवा कयो वयो। मोहम्मद बिन कासिम पारा दीबल बंदरगाह के किले ते हमले ए फतेह का पोए नेरुन कोट सेवण बुधिया के किलन ते कयल हमलन ए फतेहन का पोए दरिया टपी रावण के किले जो घेराव करे वेही रहो। शहीद आजम महाराजा दाहर सिंध वतन के दंगन नंगन की हिफाज़त कंदे हमले आवर इब्ने कासिम सा रावण के किले बाहरा विढ़ंदे विढ़ंदे शहीद थी वयो। इब्ने कासिम रावण के किले की फतेह का पोए लगातार सजी सिंध ते हमलो कंदो फुरलट कंदो अगते वधंदो वयो। अरबन की फतेह सिंध बाबत लिखल तारीख चचनामो मूजिब मोहम्मद बिन कासिम सिंध मथा कयल उन हमले में लगभग 2 लख सिंधी मानन जो कत्लेआम कयो। लगभग खरब रुपयन जो सोन दौलत माल मिल्कियत फुरलुट कई सिंध की 8000 सिंधी न्याणन के अगवा करे
बगदाद जी बाजारन में नीलाम कयो वयो।